स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज का प्रश्न है उत्पादन और विनियम का संबंध बताइए। तो दोस्तों आप जानते होंगे उत्पादन जो कि सभी चीज़ का होता है और विनियम भी सभी चीज़ का होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उत्पादन, उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य धन अर्जित करना है, यानी कि वस्तु का प्रमुख उद्देश्य होता है धन अर्जित करना। और वस्तुओं से धन अर्जित तभी किया जा सकता है जब उनका क्या होगा, विनिमय, यानी जब वो बिकेगा। यदि वस्तु विनिमय के योग्य नहीं होगी तो उसका उत्पादन ही नहीं होगा, यानी अगर वस्तु बेचने योग्य नहीं होगी तो उसका उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो वो बिकेगी नहीं। इसके बाद उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन स्वयं के लिए नहीं वरना उनके विक्रय के लिए, विक्रय से धन अर्जित करने के लिए करते हैं। इस प्रकार उत्पादन विनियम पर निर्भर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, हम वही वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।